इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक ड्राइंग एग्जांपल फॉर बिगनर्स। इस ड्राइंग एग्जांपल को करने के बाद जो बिगनर्स बिगनिंग स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने इससे पहले ऑटोकैड को यूज़ नहीं किया, वो अपना एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इस ड्राइंग को बनाएं, ड्रॉ करें, इस वीडियो को देखें। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इस ड्राइंग में ना आपको वही सेंटर पॉइंट जो नॉर्मली हम ड्राइंग्स में देखते हैं कि इसका एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा देखना है जो कि सेंटर पॉइंट है जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये दो सर्कल्स पहले मैं बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये अंदर का ये ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल की कमांड डिटेल में देखने के लिए आप सर्कल की कंप्लीट डिटेल वीडियो देखें आप मेरी, और इसके लिए आप नोटिफिकेशन बटन एक्टिव करें चैनल का, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी मेरी वीडियोज़ की। तो सबसे पहले आप सर्कल के लिए सी लिख के एंटर करें, यहाँ पर सी लिख के इंटर करें, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप 0.0 बताएं, सेंटर पॉइंट 0.0, और यहाँ पर ये डायमीटर बताया गया 3, जबकि सर्किल की कमांड के अंदर मुझसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या है, तो मैं रेडियस बताऊँगा 1.5। तो अब मैंने जो भी कुछ ड्रॉ किया है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो उसको जूम एक्सटेंड की कमांड आप रन करें कि जेड इंटर करें और ई इंटर करें। ठीक है, आपने जो सर्कल ड्रॉ किया था वो यहाँ पर आ गया। अब अगेन एक स्मॉलर सर्कल आप ड्रॉ करें जो कि 1 डायमीटर का है, सी इंटर और अगेन 0.0। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था कि मैं माउस से यहाँ पे सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर सकता था, मगर इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग एक्टिव करना पड़ती है, तो इसके लिए आपको ये भी वीडियो देखना पड़ेगी कि स्टार्टअप सेटिंग्स फॉर ऑटोकैड, तो आप उसको देखें ज़रूर, तो आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा उससे। अब यहाँ पर रेडियस में बता रहा हूँ 0.5। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं कि एक तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके उसको ऑफसेट कर दूँ डिस्टेंस डिफाइन करके, और दूसरा आप डायरेक्ट पॉइंट बता दें। तो सिंपलेस्ट वे ये है कि मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट, ठीक है जी, और एक लाइन मैं यहाँ से यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑप्शन के लिए मुझे ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑन ऑप्शन मैंने ऑन किया है, तो उसके बाद देखिए मेरे पास दो लाइंस आ गई हैं। इस लाइन को मैं नीचे ऑफसेट करूँगा 0.6, और इस सेंटर वाली लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 0.2 इधर और 0.2 इधर, ताकि टोटल डायमेंशन मुझे 0.4 चाहिए, तो मैं ऑफसेट कर रहा हूँ थ्रू डिस्टेंस, डिस्टेंस में बताऊँगा 0.6। तो देखें ये मैंने इसको नीचे ऑफसेट कर दिया। अब अगेन मैं ऑफसेट बताऊँगा और इसका हाफ बताऊँगा, क्योंकि मैं इन दोनों इस डायमेंशन के सेंटर पॉइंट पर हूँ मैं, तो 0.2 लिखूँगा इंटर, और इसको दो दफ़ा ऑफसेट करूँगा, एक इधर ऑफसेट करूँगा और एक इधर ऑफसेट करूँगा, ठीक है जी। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो इस लाइन को मैं अब इरेज कर सकता हूँ और इस एरिया को मैं ज़ूम करूँगा। तो अब देखें इस लाइन को मुझे यहाँ पर एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करने के लिए मेरे पास कमांड होती है ई एक्स, या तो कंप्लीट लिखें आप एक्सटेंड, और या फिर आप ई एक्स लिखें, तो कमांड आपके पास रन हो जाएगी, और सेलेक्ट ऑल करने के लिए आप इंटर करें, और मेक श्योर कि सेकेंड स्टेप में आप ई लिख के जो एज है ई लिख के आप इंटर करें, और इसमें चेक करें कि एक्सटेंशन मोड इनेबल है या नो एक्सटेंड हुआ हुआ है। अगर नो एक्सटेंड हुआ हुआ तो आप ई लिख के इंटर करेंगे, और अगर एक्सटेंड आ रहा तो उसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या कहते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ, आपने भी ई लिखना है, ई लिख के इंटर करना है। एक्सटेंड की कमांड रन करने के बाद आपने एक दफ़ा ई लिख के एंटर करना है, फिर अगेन ई लिख के एंटर करना है। अब देखें आप इसको क्लिक करें तो ये एक्सटेंड हो गया, इसी तरह इसको आप क्लिक करें ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। अब जस्ट आपने कमांड को कंप्लीट किया एंटर करके, अब मुझे ट्रिमिंग का ऑप्शन यूज़ करना है, टी आर लिख के एंटर किया, फिर एक और दफ़ा आप इंटर करें, और इसको जस्ट आप क्लिक करते जाएँ जो जो एरिया आपने या जो साइड आपने ट्रिम करनी है। तो देखें ये, और इसको आप इरेज करें क्योंकि अब ये ट्रिम नहीं हो सकती, और यहाँ पर देखें ये दो एजेस नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप डिलीट कर दें। तो ज़ूम एक्सटेंड करें, तो देखिए काफ़ी सिंपलेस्ट वे में आपको ये ड्राइंग का तरीका बताया। अब इसमें आप डायमेंशंस को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो डायमेंशंस के लिए आप लीनियर पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, और इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पे आप डायमेंशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप फॉर्मेट में जाएं, डायमेंशन स्टाइल में जाएं, और मॉडिफाई में आ जाएं, यहाँ पर टेक्स्ट में आने के बाद आप